पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, चुनावी मैदान को आजमाने में जुटे प्रत्याशी। रायबरेली में सोमू ढाबा जमी दोज, ढाबे पर चला बाबा का बुलडोजर। रायबरेली में पीआरबी को सूचना देना युवक को पड़ा भारी, चौकी इंचार्ज ने युवक की पिटाई की। रायबरेली में कलयुगी पिता का मानवीयकृत, नाराज पिता ने बेटी नवजात की पिटाई। मैनपुरी में मासूम की रोडवेज बस से टक्कर, टक्कर लगने से बच्चे की मौके पर मौत। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। रायबरेली में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बने सोमू ढाबा को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। ये कार्रवाई विकास प्राधिकरण ने नक्शा न पास होने पर की है। आपको बता दें कि सोमू ढाबे पर 2019 में खाना खाने आए एक छात्र की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ये ढाबा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले की जांच में इस ढाबे का नक्शा पास न होने पर खुलासा हुआ और यह ढाबा अवैध रूप से बने होने के कारण इसे ढाबे को जमींदोज कर दिया गया। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का डेलीगेशन दौरे पर पहुंचा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी, साथ ही सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। आपको बता दें कि सोमू ढाबे को जमींदोज कर दिया गया है। 2019 में इस ढाबे पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी, इसके बाद ये ढाबा चर्चा का विषय बन गया था, जिसके बाद आज बाबा का बुलडोजर चला और ये ढाबा जमींदोज हो गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलवंत हमारे साथ जुड़ेंगे। बलवंत, सोमू ढाबा का क्या है पूरा मामला, आज उसको जमींदोज कर दिया गया है? हेलो बलवंत, सोमू ढाबा का क्या है पूरा मामला? हेलो, बताना चाहूंगा नंदिनी कि आदित्य हत्याकांड में संलिप्त सोमू ढाबा को जमींदोज किया गया है। और बताना चाहूंगा कि ये 2019 में आदित्य एक युवक था जिसकी हत्या की गई थी, तो उसी में सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव और 12 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था, तो उसे हिरासत में लिया गया था, जिससे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हेलो जी, जी बलवंत बताइए। हाँ, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है उसी में, और इसका बताया प्रशासन द्वारा कि मानक के विपरीत बना हुआ था, इसका नक्शा भी नहीं था, जिस संबंध में इनको जमीन किया गया गया है। फिलहाल सपा के कार्यकर्ता नाराज, उन्होंने आज एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से आया था मिलने के लिए, प्रशासन से मिला, हालांकि प्रशासन नहीं हो पाई है, और बल्कि उनका कार्यक्रम था डीएम साहब के साथ, डीएम साहब मुलाकात नहीं हो पाई है, तो वो बताए कि चले गए फिर वापस। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। देवरिया में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान को आजमाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 19 से सभासद पद से दावेदारी कर रहे सुशील यादव ने पत्रकारों से विकास पर बातचीत की, साथ ही अपने क्षेत्र के सभी अधूरे कामों को पूरा करने की भी बात कही और कहा कि वह गरीब और असहाय लोगों को उनका हक दिलाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारे नगर पालिका परिषद में हमारा वार्ड आता है, जिसमें देखा जाए तो सबसे पिछड़ा वार्ड हमारा है वार्ड नंबर 19, जिसमें रोड नाली लाइट की अत्यंत समस्याएं हैं। तो मेरा यही मुद्दा है, मैं चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद मैं अपने मोहल्ले को स्वच्छ सुंदर और सड़क दिलाने का काम करूँगा,
तथा सम्मानित जनताओं के विश्वास पर खरा उतरूंगा। क्या सोच के आप चुनाव लड़ रहा है? बस सेवा ही मेरा संकल्प है। युवा है आप, युवाओं के लिए क्या? खबर कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक नशेबाज युवक के बुजुर्ग महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नशेबाज युवक नशे की हालत में मंदिर में तोड़फोड़ कर रहा था, जिसका एक बुजुर्ग महिला ने विरोध किया, जिसके बाद युवक ने महिला पर डंडों से हमला किया और पीट पीट कर महिला की हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। आज दिनांक 22/12/2022 को थाना चौबेपुर क्षेत्र में गांव घाघपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम विजय कुरिल है, जो नशे का आदि बताया जा रहा है, उसके द्वारा सुबह सुबह यहां गांव के मंदिर में डंडे से तोड़फोड़ की जा रही थी। फिर जब इस तोड़फोड़ का एक महिला जिनका नाम फरजाना है, उन्होंने सुरजाना है, उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने उसी डंडे से उनके सुरजाना के भी सर पर प्रहार किया और उसी डंडे से उन्होंने एक बकरी पर भी प्रहार किया, जिससे बकरी और महिला दोनों की मृत्यु हो गई। महिला की उम्र लगभग 70 वर्ष है। गांव वालों की मदद से जो आरोपी हैं विजय कुरिल, उनको अभी हिरासत में ले लिया गया है, आगे पूछताछ की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने जा रहे बच्चे की बस से टक्कर लगने से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर एसडीएम सदर समेत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने रोड पर जाम लगाकर आर्थिक मदद के लिए मुआवजे की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगे जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया है। आज जो है सुबह लगभग 9:45 बजे एक रोडवेज बस जो मैनपुरी से ऑसन रोड पर जा रही थी, यहाँ पर जरामाई गांव पड़ता है, यहाँ पे एक जो आदित्य नाम, आदित्य बच्चे का नाम है, आदित्य नाम शिवेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, अचानक बस की चपेट में आ गया। यह ओवर मूवमेंट में गति थी, बहुत अधिक तेज से बस जा रही थी, इसलिए चपेट में बच्चा आ गया, उसकी तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। एफ आई आर के लिए मुकदमा के लिए कर दिया गया, फिक्स मिल गई है, एफ आई लिखी जा रही है और इसके तहत जो आकस्मिक दुर्घटना निधि होती है उसके तहत भी अनुदान इसको दिया जाएगा। खबर राय बरेली से है, जहां एक पिता ने अपनी ही नवजात बेटी के मुंह पर थूक दिया और उसे थप्पड़ मारने लगा। वहां आसपास मौजूद लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो वो झगड़ा करने लगा, जिस पर वहां मौजूद डॉक्टर ने उसे पुलिस को बुलाने की धमकी दी, जिसके बाद युवक वहां से फरार हो गया। वहीं प्रसूता से बातचीत पर पता चला कि युवक अपनी 5वीं बेटी के होने से नाराज था। इसके अलावा सीएसए अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के इस अमानवीय कृत्य पर उसे फटकारा भी गया। दुर्पतिया नाम की मरीज डिलीवरी होने को थी, पेन में थी, तो देखा गया तो टाइम नजदीक था और उसका जो है ये पांचवा बच्चा था, ठीक है। उसके पहले उसकी 4 बेटी थी, हम लोगों ने अच्छे से उसकी डिलीवरी करवा दी 3:03 पे, लेकिन वो भी 5वीं भी बेटी पैदा हुई। और बेटी पैदा होने के बाद वो महिला का पति माधव और गया वार्ड में और उसको बच्ची के मुंह पे थूक दिया और उसको बच्ची को, नवजात बच्ची को थप्पड़ भी जड़े। खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक को पीआरबी 112 पर सूचना देना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन का गांव ही एक व्यक्ति ने, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिसके बाद युवक पुलिस को मोटी रकम देकर खेत में जबरन जुताई करने लगा, जिसकी शिकायत 112 करने पर चौकी इंचार्ज ने पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर गिर पड़ा, जिसके बाद सीओसीटी ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। नाम मुतवल्लीपुर राणा साहब के रहने वाले हैं। हमारे खेत में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय मुकदमा चल रहा है और सुरेश के लड़का जोतने आए और हम 112 पे फ़ोन किए, 112 आई, हमको उठा के चौकी पर ले गई। चौकी पर ले जा कर के चौकी इंचार्ज ने हमको गाली दिया कस के और मारा, उसके बाद सीधा थाने ले गए। थाने में ब्रह्मदेव सिपाही ने कस के मारा हमको। मारने के बाद थाने इंचार्ज बाहर बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा उनको मार दूंगा, दोबारा आओगे तो। उस दिन यादव के नाम मुकदमा तुमने लिखा दिया था झूठी,
और यादव के नाम मुकदमा लिखाओगे, उसने 50,000 सी ओ ऑफिस में जमा किया है, उसके क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद उसके पहले भी एक बार हमको ब्रह्मदेव ने कस के मारा, आज कस के मारा, और कहते दोबारा और दूसरी कस के मारूंगा, बहुत मारूंगा, लटका दूंगा, ऊपर टांग, सब कस के बहुत गाली देते थे हमको, और आज कस के मारे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक दबंग युवक ने नगरपालिका ड्राइवर की पिटाई कर दी, साथ ही कूड़ा गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद घटना से नाराज नगरपालिका कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया, जिससे आवागमन शुरू हो सका। फिलहाल नगरपालिका प्रशासन आरोपी दबंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गया है। मामला ये हुआ था कि इधर से गाड़ी अपने साइड से लेके आ रहे थे, एक लड़का जो है अपनी मोटरसाइकिल की साइड से लेके उस तरफ जमाल गेट की तरफ जा रहा था, वो जो है गाड़ी यहीं पे हुआ, अब पासिंग के लेके, पासिंग को लेके कैसे हुआ क्या हुआ मैं गाड़ी लेके जा, उसके बाद उसने गाड़ी यहीं रोक दी, गाड़ी थी जैसे मैं उतरा गाड़ी छोड़ के बाहर गया, पहले वहाँ पे एक आलू का ठेला था, वहाँ से बरखड़ा फेंक मारा, मैं बच गया, उसके बाद गाड़ी के अंदर आ गया, गाड़ी का शीशा चढ़ा दिया, तुरंत पटरा लेके अंदर भी आया, पटरा लेके मैं जहाँ पर ड्राइवर साइड में मेरे साइड में वहाँ पर पटरे से मारा, शीशा टूट गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, डंडा उसी खिड़की में अटक गया, उसके बाद वो डंडा लेके आया। इसके पहले भी कोई वारदात हो चुकी है यहाँ पे? अभी मैं घर पे थी तो मेरे पास फ़ोन गया कि यहाँ ड्राइवर को कोई कमरानी तो नाम है उनके पिता, कमरान का लड़का कोई है, वो ड्राइवर को मार रहा। मैं मौके पे पहुँची तो ये ड्राइवर है नरेंद्र ड्राइवर, ये गाड़ी पे थे, तो इन्होंने बताया मुझे कि ये पहले गाली गलौज करने लगा और बाट लेकर के दौड़ा मारने के लिए, ये गाड़ी के अंदर शीशा बंद कर लिया, तो फिर डंडा लेकर के पटरा लेकर के पहले शीशा जिस साइड ड्राइवर बैठा था उस पर वार किया, तो ड्राइवर अपने आप को झुक करके बचा लिया, लेकिन फिर सामने के शीशे पर वार किया, तब तक पब्लिक आ गई तो वो भाग गया, हम लोग फिर मौके पर पहुँच गए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।